हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, मैं आपके लिए आज सारणिक डिटरमिनेंट का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के जितने भी सारणिक दिए गए थे उसका वैल्यू निकालना सीख गए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर 5 हमारे लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, ध्यान दीजिए, लेक्चर 5, पार्ट 5। मैं आप लोगों के लिए आज लेक्चर 5 पार्ट 5 लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे साइन ऑफ डिटरमिनेंट। अगर हिंदी में इसको बोले हम लोग तो हो जाएगा सारणी का चिन्ह, सारणी का चिन्ह। आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट होता क्या है, सारणी का चिन्ह होता क्या है। इसका यूज बहुत ही अच्छा तरीका से आना चाहिए हमको, क्योंकि आगे में इसके ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं ध्यान दूँ यहाँ पे क्या बोला मैं, इसका जो यूज है ना हमको बहुत ही अच्छा तरीका से आना चाहिए, क्योंकि आगे में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये नहीं आएगा तो आगे हमको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से देखिए, सावधानी पूर्वक, लिसन केयरफुली। पहले आप लोग चुप हो जाइए बाबू, चुप हो जाइए पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग पहले, बाद में बात कीजिएगा। हम लोग आज लेक्चर 5 लेके आए हैं आपको लिए, जहाँ पे साइन ऑफ डिटरमिनेंट की बात होगी, सारणी का चिन्ह क्या होता है उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारणी का चिन्ह होता क्या है, इसको आप लोग अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसका आगे में बहुत ही काफ़ी यूज है। अगर आपका साइन नहीं पहचानने आएगा तो आगे क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, इसलिए ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत है आप लोग को। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया है डेल बराबर ए वन बी वन ए टू बी टू, यहाँ पर दिया हुआ है डेल इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू। अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ कि बताइए यहाँ पे कितनी रो हैं और कितने कलम हैं, रो और कलम की संख्या बताइए, आप इस फिगर को देखिए, इस डिटरमिनेंट को देखिए, इस सारणी को देखिए और बता दीजिए कि इसमें रो की संख्या क्या है और कलम की संख्या क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, इसमें 2 रो हैं और 2 कलम हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है तो 2 रो हो गया, वर्टिकल लाइन 2 है 2 कलम हो गया, यहाँ पे सोता हुआ लाइन 2 है, उठा हुआ लाइन 2 है, तो रो की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, रो बराबर 2 और कलम बराबर 2 हो गया। अब मैं पूछूँ यहाँ पे एलिमेंट की संख्या क्या है, एलिमेंट क्या है यहाँ पे, अवयव, अवयव की बात करें यहाँ पे, पूछेंगे कि अवयव की संख्या बताइए यहाँ पे क्या है, तो कितना हो जाएगा ए वन बी वन ए टू बी टू, 4 हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, इसी को ना एलिमेंट बोलते हैं, सारणी का अवयव है, डिटरमिनेंट का ही लो अवयव है, ए वन बी वन ए टू बी टू, डिटरमिनेंट का ये सब क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। यहाँ पे हम बात करें 2 नंबर में, डेल बराबर दिया हुआ है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। मैं यहाँ पूछूँ कि यहाँ पे बताइए कि रो की संख्या क्या है, कलम की संख्या क्या है, एलिमेंट की संख्या क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, इसमें 3 रो है, 3 कलम है, एलिमेंट ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, 3 3 6 3 9, इसमें एलिमेंट की संख्या 9 है, रो की संख्या 3, कलम की संख्या 3, एलिमेंट की संख्या 9 है इसमें। देखिए, एक बात लिखते हैं यहाँ पे नोट में, किसी भी सारणिक में
अवयव की संख्या बराबर। देखिए इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी ऑर्डर डिटर्मिनेंट, हिंदी में बोले किसी भी सारणिक में अवयव की संख्या। अगर कोई सारणिक दिया गया आपको, पूछे कि उसमें कितने अवयव हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका दो फार्मूला होता है। फार्मूला वन में हम लोग लिख सकते हैं एक नंबर में रो इंटू कॉलम, रो को कॉलम से आपस में गुना कर देंगे तो एलिमेंट की संख्या निकल जाएगी, या ऑर्डर का स्क्वायर कर दीजिए, ऑर्डर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो रो और दो कॉलम है, तो पहला नंबर लिखेंगे इसमें तो दो रो दो कॉलम, तो चार एलिमेंट की संख्या हो गई। यहाँ पे चार एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे इसमें बात करें तो कितना रो है, इसमें तीन रो तीन कॉलम है, यहाँ पे तीन रो तीन कॉलम, तो तीन तरीका नौ, नौ एलिमेंट हो गए। देखिए यहाँ पे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, नौ एलिमेंट हो गया। यह मैं बोला ऑर्डर का स्क्वायर, ऑर्डर वहाँ पे दो है तो दो का स्क्वायर तो चार एलिमेंट हो गया। देखिए चार एलिमेंट है यहाँ, यहाँ ऑर्डर थ्री है तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो नौ मिल गया आपको। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी आपको सारणिक दिया रहा है, डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसमें अवयव की संख्या पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे कि कितना होगा, तो उसके लिए दो फार्मूला है, रो और कॉलम को आपस में गुना कर लीजिए तो अवयव की संख्या मिल जाएगी, या ऑर्डर जो दिया है कोटि दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो उससे भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट अवयव की संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू, ए वन बी वन ए टू बी टू क्या है, हमारा एलिमेंट है, हमारा अवयव है, किसका अवयव है, डिटर्मिनेंट का, सारणिक का अवयव है। यहाँ पे लिख लीजिए ए वन बी वन ए टू बी टू डैश 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 अवयव है, सब क्या है, इसको हम लोग अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। किसका एलिमेंट है ये सब, तो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, सारणिक का एलिमेंट है ये सब। आइए एक बात मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे जो ए वन बी वन ए टू बी टू लिखा हुआ है, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री सॉरी ए टू वन ए टू टू, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आइए मैं समझाता हूँ इस बात को हम लोग क्यों ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे ए वन बी वन ए टू बी टू लिखा हुआ है, फिर मैं उसी बात को यहाँ पर लिख दिया ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, फिर मैं अगर इसको लिखना चाहूँ इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। देखिए इस बात को ऐसे और इस बात को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आइए क्यों लिख सकता हूँ, इसका रीज़न जानता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देखिए इससे लिखने से हमको फायदा यह है कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग स्थिति अवस्था प्लेस का सॉरी किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट अवस्था को हम लोग मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे ए वन वन लिखा हुआ है, ए वन वन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ए वन वन, ये जो पहला वाला होता है इसको हम लोग रो बोलते हैं और सेकेंड वाले को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो कहीं पे लिखा हुआ है ए वन वन, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए वन वन है फर्स्ट रो में होगा और फर्स्ट कॉलम में होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में है ये और फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ पे आर वन यही ना होता है हमारा और सी वन यही होता है, तो फर्स्ट रो में है यहाँ पे जो ए वन वन है, कहाँ है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम, हम देख के पहचान लेंगे यहाँ पे कि एलिमेंट कहाँ होगा, इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी अवस्था कहाँ है। इस पूरे डिटर्मिनेंट में जो ए टू टू होगा इसको चुनते हैं हम लोग ए टू टू, तो मैं क्या बोला यहाँ पे जो पहले होता है इसको रो बोलते हैं, तो मान चल के कि सेकेंड रो में होगा, बाद वाले को हम लोग कॉलम बोलते हैं, पहले रो उसके बाद कॉलम। ए टू टू हमसे पूछेगा कि ए टू टू बता दीजिए कि डिटर्मिनेंट में कहाँ स्थित होगा,
तो यहाँ पे रो कलम हो गया, पहले को रो और दूसरे कॉलम बोलते हैं, तो दो रो और दो कॉलम आ रहा है यहाँ पे, मतलब सेकेंड रो में होगा और सेकेंड कॉलम में होगा। तो सेकेंड रो इसमें कौन है, यही है सेकेंड रो यहाँ पे, और सेकेंड कॉलम क्या है, यही है। तो देखिए ना यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वन वन लिख दिया यहाँ पे, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। यहाँ पे नहीं आएगा समझ में, पूछिए। इसको ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या है, मालूम चल जा रहा है कि एलिमेंट कहाँ पाया जाएगा, ए वन वन कहाँ पाया जाएगा, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। पहले वाले को रो बोलते हैं, दूसरे वाले को कॉलम बोलते हैं, पहले वाले को रो बोलते हैं, दूसरे वाले कॉलम। कोई आपसे अगर पूछ दे ए टू टू कहाँ होगा, यहाँ पे आपको दिया रहता है ए टू टू कहाँ होगा, तो सेकेंड रो में होगा, सेकेंड कॉलम में होगा। देखिए सेकेंड रो है यहाँ पे, सेकेंड कॉलम है। ए थ्री थ्री कहाँ होगा, तो थर्ड रो में होगा, थर्ड रो देखिए है यहाँ पे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में होगा, सी थ्री हो गया। पहले वाले को रो बोलते हैं और बाद वाले को कॉलम बोलते हैं, तो हम सिर्फ देख कर ही पहचान लेंगे कि कौन सा रो में होगा और कौन सा कॉलम में होगा। इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बोला हूँ कि अच्छा से समझिए, अच्छा से सीखिए, इसको बारीकी से सीखिए। चलिए हम लोग बेसिक बेसिक बातें पर चर्चा किए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि साइन ऑफ डिटर्मिनेंट होता क्या है। अभी तो हम आपको बेसिक समझा रहे थे, इसके बारे में अभी कहाँ डिस्कस किए हैं, सिर्फ तो अभी बता रहा था कि कैसे क्या होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे इस पर कि साइन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आइए हम लोग ऑर्डर बराबर टू का लेते हैं, ऑर्डर बराबर टू लेते हैं। तो मैं क्या बोला था, ऑर्डर बराबर टू पढ़ लेते थे हम लोग, तो क्या लिखते थे, ए वन बी वन, ए टू बी टू। तो मैं अभी आपको क्लियर किया, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। मैं अभी आपको क्लियर किया कि मैं उस बात को वैसे भी लिख सकता हूँ, दोनों बात क्या है हमारा सेम है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करना है, इसमें रो कितनी है, देखिए ये आर वन है, ये आर टू है, ये सी वन है और ये सी टू है। देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, हुएर आई बराबर रो जे बराबर कॉलम होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, सारणी का चिन्ह लिखने के लिए फार्मूला होता है माइनस वन के पावर आई प्लस जे। सारणी का चिन्ह लिखने का फार्मूला क्या होता है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, हिंदी बोल दे, सारणी का चिन्ह इसका लिखने के लिए फार्मूला होता है माइनस वन के पावर आई प्लस जे, हुएर मतलब जहाँ, आई क्या है हमारा रो है और जे क्या है कॉलम है। तो आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग इसका ऑर्डर टू का ये सारणिक दिया गया है। तो पहले ऐसे लिखते थे, हम बोले कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी, इसको मिटा दीजिए, हम लोग ऑर्डर टू के सारणिक को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। ऑर्डर बराबर टू कहने का मतलब क्या है, दो रो होगा और दो कॉलम होंगे, दो रो और दो कॉलम हो गए यहाँ पे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, लगाइए यहाँ पे माइनस वन के पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे, आई की संख्या क्या है, रो की संख्या वन है, जे की संख्या वन है, लिखिए यहाँ पे वन प्लस वन। फिर जब ए वन टू को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर वन प्लस टू हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस वन के पावर टू प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन के पावर टू प्लस टू हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये इसके जगह पर जाएगा, ये इसके जगह पर जाएगा, ये इसके जगह पर जाएगा, ये इसके जगह पर जाएगा। हम लोग साइन ऑफ डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणी का चिन्ह क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला मैं बताया, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, जहाँ आई को हम लोग रो बोलते हैं और जे को कॉलम बोलते हैं। तो ये आपको ऑर्डर टू का एक सारणिक दिया गया है जिसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं,
और बोला जा रहा है कि इसका आप लोग चिन्ह लिखिए, इसका चिन्ह क्या होगा, सारणी का चिन्ह क्या होगा। तो मैं फार्मूला बताया, तो आपको जब ए वन वन का वैल्यू निकालना है, ए वन वन का, तो क्या बताया था मैं आपको, फार्मूला है माइनस वन के पावर आई प्लस जे, माइनस वन के पावर आई प्लस जे। तो माइनस वन यहाँ पर हो गया, आई प्लस जे, आई बराबर रो होता है, तो रो इसमें एक है, पहले वाले को रो बोलते हैं, बाद वाले को कॉलम बोलते हैं। बताया था मैं पहले वाले को रो और बाद वाले को कॉलम बोलते हैं, पहले वाले को रो और बाद वाले की कॉलम बोलते हैं हम लोग। तो माइनस वन के पावर आई प्लस जे, तो माइनस वन के पावर आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, रो की संख्या वन है तो वन, कॉलम क्या है तो वन है, तो माइनस वन के पावर दो, तो वन मिल गया। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आ जाएगा। फिर अगर हमको निकालना है ए टू वन निकालना है, ए टू वन, तो फार्मूला क्या होता है, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, माइनस वन तो सब में कॉमन रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ आई और जे चेंज होगा। तो यहाँ रो होता है, ये कॉलम होता है, तो आई को रो बोलते हैं, तो रो की संख्या दो है तो दो, आई की जगह पर दो रख देंगे, कॉलम की संख्या वन है तो वन, तो माइनस वन के पावर दो एक तीन, तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा। देखिए समझ गए होंगे आप इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिए अब, तो वही ना मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ए वन वन के वैल्यू निकालना, तो ए वन वन के जगह पर क्या लिख दिया, माइनस वन के पावर वन प्लस वन, रो की संख्या वन, कॉलम की संख्या वन। ए वन टू का वैल्यू निकालना है, तो माइनस ए के पावर आई प्लस जे, तो वन प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे आई की संख्या वन है और जे की संख्या दो है, आई मतलब रो की संख्या वन और जे मतलब कॉलम की संख्या दो, ए टू वन लिखना है, तो माइनस वन के पावर टू प्लस वन, रो की संख्या दो हो गया, कॉलम की संख्या एक हो गया, माइनस वन के पावर टू प्लस टू, रो की संख्या दो, कॉलम की संख्या दो हो गया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, माइनस वन के पावर वन वन दो हो जाएगा, फिर माइनस वन के पावर दो एक तीन हो जाएगा, फिर माइनस वन के पावर तीन हो जाएगा, माइनस वन का पावर यहाँ पे चार हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस वन हो गया, यहाँ पे माइनस वन के पावर क्यू, तो माइनस वन हो गया यहाँ पे, फिर माइनस वन के पावर तीन, तीन बार है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस अगुना माइनस, फिर माइनस वन हो गया, यहाँ पे प्लस वन हो गया। तो क्या मिला हमको यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस प्लस मिला। तो यही इसका दो ऑर्डर का कोई भी सारणी होगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, यही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गएंगे। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। नोट कीजिए जल्दी से। नोट कीजिए फिर मैं समझाता हूँ आपको आगे में। नोट कीजिए बाबू जल्दी, देर मत कीजिए, आइए बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं बताया कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, सारणी का चिन्ह क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है माइनस वन के पावर आई प्लस जे, होयर आई क्या है हमारा, रो है, और जे क्या है, कलम है, रो मतलब पंक्ति, कलम मतलब स्तंभ, आई क्या है, पंक्ति की संख्या है, जे क्या है, स्तंभ की संख्या है। तो ऑर्डर टू का आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, लिखा हुआ है ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। पूछा जा रहा है कि इसका साइन क्या होगा, कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, साइन मतलब चिन्ह, प्लस और माइनस कहाँ कहाँ पे होंगे। तो इसको जब वैल्यू निकालना है ए वन वन का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, तो माइनस वन के पावर आई प्लस जे, आई मतलब रो की संख्या, जे मतलब कॉलम की संख्या, तो रो की संख्या वन है, कॉलम की संख्या भी वन है, तो वन प्लस वन हो गया, तो माइनस वन का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर ऐसे ही माइनस वन के पावर वन प्लस दो हो जाएगा, माइनस वन के पावर वन प्लस दो हो गया, फिर माइनस वन के पावर दो प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस वन के पावर दो प्लस वन हो गया, माइनस वन के पावर दो प्लस दो हो जाएगा, माइनस वन के पावर दो प्लस दो हो गया, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन का क्यू माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का क्यू माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन के पावर फोर प्लस वन हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया। जो ऑर्डर टू का कोई भी सारणिक होगा, ऑर्डर टू का कोई भी डिटर्मिनेंट होगा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग ऑर्डर थ्री की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात नोट पॉइंट में लिख लीजिए, यहाँ पे नोट पॉइंट में एक बात लिख लीजिए बाबू,
माइनस वन के पावर अगर ऑड दिया रहेगा, ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस वन हो जाता है एक नंबर में। दो नंबर में माइनस वन के पावर अगर इवन रहेगा आपको, इवन नंबर सम संख्या, तो इसका वैल्यू क्या प्लस वन हो जाता है। फिर तीन नंबर में माइनस वन के पावर ऑड रहे या इवन रहे, सॉरी वन के पावर ऑड रहे या इवन रहे, इसका वैल्यू वन ही हो जाता है। आइए एग्जांपल द्वारा इसको समझते हैं। मैं क्या बोला हूँ, एक नंबर में बोला हूँ यहाँ पे कि माइनस वन के पावर ऑड नंबर विषम संख्या रहे तो उसका वैल्यू माइनस वन हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, माइनस वन के पावर ऑड नंबर क्या होता है, तीन होता है, तो माइनस वन का क्यू, तो माइनस वन गुने माइनस वन गुने माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस वन मिला, देखिए यहाँ पे माइनस वन आया इसका आंसर। ऐसे दूसरे एग्जांपल लीजिए, माइनस वन के पावर पाँच ले लीजिए, माइनस वन के पावर ऑड लेना है, विषम संख्या लेना है, तो लिए हैं यहाँ पे विषम, तीन विषम है पाँच भी विषम है, तो माइनस वन के फाइव क्या हो जाएगा, माइनस वन गुने माइनस वन गुने माइनस वन गुने माइनस वन गुने माइनस वन, पाँच बार तो पाँच बार लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस वन यहाँ पर हो जाएगा। कोई भी माइनस वन के पावर कोई भी आप ओड नंबर लीजिएगा तो माइनस वन मिलेगा हरदम। फिर माइनस वन के पावर आप अगर इवन नंबर लीजिएगा, कोई भी इवन नंबर, तो आपको हरदम प्लस वन मिलेगा। एग्जांपल देखिए इसका, माइनस वन के पावर अगर दो लेते हैं हम लोग, तो माइनस वन गुने माइनस वन, दो है तो दो बार गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वन हो गया। यहाँ पे माइनस वन के पावर चार ले लीजिए, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो मैं क्या बोला हूँ, माइनस वन के पावर कोई भी इवन नंबर तो प्लस वन मिलेगा, चार बार गुना हो जाएगा क्योंकि चार बार लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे वन हो जाएगा, प्लस वन आ गया। देखिए तीन नंबर में लिखा हूँ, ये दोनों क्लियर हो गया। तीन नंबर में लिखा हूँ कि वन के पावर अगर ऑड रहे या इवन रहे, जो वन है उसका पावर ऑड दिया रहे या इवन रहे, हरदम आपको वन ही मिलेगा। आइए एग्जांपल द्वारा समझते हैं। वन के पावर अगर चार दिया है तो चार ही मिलेगा, वन गुने वन गुने वन गुने वन, वन ही मिल गया यहाँ पे, मतलब प्लस में मिला। फिर वन के पावर अगर हम लोग ऑड लेते हैं, तीन लेते हैं, तीन ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो वन गुने वन गुने वन, वन ही मिला। तो वन का पावर आप ऑड रखिए या इवन रखिए, हरदम आपको वन ही मिलेगा। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, मैं हटाता हूँ यहाँ से जल्दी से। नोट पढ़ के याद कर लीजिएगा, आगे में काम है इसका, कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है इसमें, कन्फ्यूज नहीं होना है बाबू। हम लोग ऑर्डर टू का चिन्ह देख लिए थे कि सारणी का इसका चिन्ह क्या होगा, तो क्या आया था, प्लस आया था, फिर माइनस आया था, फिर प्लस आया था, फिर माइनस आया था। फिर हम लोग आगे में देखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर थ्री के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको ऑर्डर बराबर थ्री दिया हुआ है, इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। देखिए ऑर्डर बराबर थ्री है, मतलब इसमें तीन रो होंगे और तीन कॉलम होंगे, तीन रो होंगे, देखिए तीन रो हैं इसमें और तीन कॉलम होंगे, तीन रो और तीन कॉलम होंगे, थ्री बाय थ्री का ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, थ्री बाय थ्री का ये सारणिक दिया हुआ है, कोटि बराबर तीन दिया गया है, ऑर्डर बराबर थ्री दिया गया है, मतलब तीन रो होंगे और तीन कॉलम होंगे। अब हमको इसका साइन लिखना है, तो क्या बताए थे साइन लिखने के लिए, फॉर्मूला होता है माइनस वन के पावर आई प्लस जे। आइए इसको चेंज कीजिए, जब इसको चेंज कीजिएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, मतलब वन प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसको लिखिएगा तो माइनस वन के पावर वन प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आई की संख्या वन है और रो की संख्या, सॉरी आई की संख्या वन है और जे की संख्या दो है यहाँ पे। फिर इसको लिखिएगा जब ए वन थ्री को, तो माइनस वन के पावर वन प्लस थ्री हो जाएगा। फिर इसको लिखिए ए टू वन को, तो माइनस वन के पावर टू प्लस वन हो जाएगा। देखिए इसी फार्मूला पर हम निकाल रहे हैं इसको, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, होयर आई बराबर रो, जे बराबर कॉलम, इसी फार्मूला पर हम इसको इसमें से इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें से इसमें हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं उस फार्मूला के द्वारा। ए वन टू का हो गया, ए टू टू लिखना है तो माइनस वन के पावर टू प्लस टू हो जाएगा। ए टू थ्री लिखना है तो माइनस वन के पावर टू प्लस थ्री हो जाएगा। फिर ए थ्री वन लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर थ्री प्लस वन, माइनस वन के पावर थ्री प्लस टू हो जाएगा, माइनस वन के पावर थ्री प्लस थ्री हो गया। देखिए इससे मैं इसको कन्वर्ट कर दिया, कैसे किया जी, तो उस फार्मूला के द्वारा किया।
ए वन वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन के पावर वन प्लस वन, ए वन टू की जगह पर लिख सकते हैं माइनस वन के पावर वन प्लस टू, ए वन थ्री की जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस वन के पावर वन प्लस थ्री। ठीक उसी प्रकार ए टू वन की जगह ये लिख सकता हूँ, ए टू टू की जगह यह लिख सकता हूँ, ए टू थ्री की जगह यह लिख सकता हूँ, फिर ए थ्री की जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस वन के पावर थ्री प्लस वन, फिर ए थ्री टू की जगह पर क्या लिख सकता हूँ माइनस वन के पावर थ्री प्लस टू, ए थ्री थ्री की जगह पर क्या लिख सकता हूँ माइनस वन के पावर थ्री प्लस थ्री। ये कैसे इससे कैसे कन्वर्ट हुआ, मैं इसमें से इसमें कन्वर्ट कर दिया हूँ सिर्फ इस फार्मूला के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो फार्मूला है मेरे लिए, फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट सारणी का चिन्ह लिखने के लिए क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या फार्मूला होता है तो माइनस वन के पावर आई प्लस जी, माइनस वन सब में कम रहता है, माइनस वन के पावर आई प्लस जे, आई क्या है हमारे यहाँ पे तो रो है और जे क्या है तो कलम है, इससे ये कन्वर्ट हो गया। फिर इसको लिखिए यहाँ पे, देखिए माइनस वन का वन वन दो हो जाएगा, फिर माइनस वन के पावर दो एक तीन हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस वन के पावर तीन एक चार हो जाएगा यहाँ पे, फिर नीचे बढ़िए तो माइनस वन के दो एक तीन हो जाएगा, फिर माइनस वन के पावर दो एक सॉरी दो दो चार हो जाएगा, माइनस वन के पावर दो तीन पाँच हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस वन के पावर तीन एक चार हो जाएगा, फिर माइनस वन के पावर तीन दो पाँच हो गया, फिर माइनस वन के पावर तीन तीन छः हो गया। देखिए मैं अभी ही बताया आपको कि अगर माइनस वन का पावर ऑड रहे तो क्या होगा और माइनस वन के पावर इवन रहे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी बताया कि माइनस वन के पावर अगर ऑड रहेगा आपको और नंबर तो माइनस वन मिलेगा, माइनस वन के पावर अगर आपको इवन नंबर आएगा इवन नंबर तो प्लस वन मिलेगा। लिखिए यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर है, माइनस वन का पावर इवन है तो प्लस मिलेगा। देखिए माइनस वन का पावर इवन तो प्लस मिल रहा है, यहाँ पे ऑड है तो माइनस मिलेगा, इवन है तो प्लस मिलेगा, ऑड है तो माइनस मिलेगा, इवन है प्लस मिलेगा, ऑड है माइनस मिलेगा, इवन है प्लस मिलेगा, ऑड है माइनस मिलेगा, इवन है प्लस मिलेगा। तो यही हमारा देखिए आ गया, यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, यही हमारा तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया रहेगा, कोटि तीन का कोई भी सारणिक दिया रहेगा तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए उसको जल्दी से, फिर मैं आगे आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, तुरंत लिख दीजिएगा। ये हमारा क्या होगा सारणिक तीन का डिटरमिनेंट का क्या हो गया, ये चिन्ह हो गया। साइन ऑफ डिटरमिनेंट कितना का है, ऑर्डर बराबर थ्री का है क्योंकि इसमें तीन रो हैं तीन कॉलम है। इससे पहले मैं दो ऑर्डर का निकाल कर दिखाया कि क्या होता है उसका चिन्ह, मैं इसको रफ करता हूँ जल्दी से क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखा था कि माइनस वन के पावर आई प्लस जे होता है जिसके द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका चिन्ह बता सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि चिन्ह इसका क्या होगा। आइए आज हम लोग ये ट्रिक देखने जा रहे हैं, उसके द्वारा तुरंत ही बता देंगे कि इसका चिन्ह क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं मासूम सर का मिसाइल मेथड, देखिए क्या लिखे मासूम सर का मिसाइल मेथड। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑर्डर बराबर टू है, इसका हमको साइन लिखना है, चिन्ह लिखना है कि इसका चिन्ह क्या होगा। तो हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे तो हम लोग उसको फार्मूला के द्वारा निकाले थे, हम डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं उसके द्वारा आप लोग निकालिए। ऑर्डर बराबर टू दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें चार एलिमेंट होंगे क्योंकि दो रो होंगे और दो कलम होंगे आपस में। ऑर्डर बराबर टू इसका मतलब क्या है, दो रो और दो कॉलम के मतलब उसमें चार एलिमेंट होंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे लिखना है, जो डायगोनल होगा डायगोनल के बाद हटाइए, चलिए प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस अल्टरनेटिव में अदल बदल के प्लस माइनस ले लेना है तो प्लस बाद क्या आता है माइनस आता है, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। यहाँ पे देखिए यही तो हो गया हमारा ऑर्डर टू का ये
चिन्ह हो गया। सारणिक का जो है ऑर्डर टू का सारणिक है, ऑर्डर टू का ट्रीटमेंट है उसका, ये सिंबल हो गया, ये साइन हो गया उसका। देखिए कितना आसानी से हम लोग लिख लिए। इससे पहले हम लोग फार्मूला का यूज किए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे फार्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, ये मासूम सर का मिसाइल मेथड देख रहे हैं, उसके द्वारा हम लोग तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बताएं हम आपको, प्लस से स्टार्ट करना है। मेन डायगोनल है इसको बोलते हैं, मेन डायगोनल इसमें एलिमेंट में प्लस होगा, मेन डायगोनल एलिमेंट यहाँ प्लस से स्टार्ट करना है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ऑर्डर बराबर थ्री अगर आपको दिया गया है, ऑर्डर बराबर थ्री पूछा जा रहा है कि इसका साइन लिखिए इसका, तो क्या लिखेंगे, क्या बताएं हम आपको, प्लस से स्टार्ट करना है, बढ़ते रहना है अल्टरनेटिव प्लस माइनस में, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए जो अभी अभी हम निकाले थे ऑर्डर थ्री का साइन, यही आया था ना पीछे, आप लोग देख लीजिएगा प्लॉट के, एकदम सेम यही आएगा। देखिए पल भर में बन जा रहा है ये, इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला हम लोग क्या लगाए थे कि माइनस वन के पावर आई प्लस जे, यहाँ पे ये फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मासूम सर का मिसाइल मेथड याद रखिए। क्या बताया हमें, प्लस से स्टार्ट करना है, आगे बढ़ते रहना है, अल्टरनेटिव में अदल बदल के प्लस माइनस लेना है, दो प्लस एक साथ नहीं ले सकते और दो माइनस एक साथ नहीं ले सकते। मैं क्या बोला ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो प्लस एक साथ नहीं ले सकते, दो माइनस एक साथ नहीं ले सकते। एक प्लस लेंगे तो एक माइनस लेंगे, एक प्लस लेंगे तो एक माइनस लेंगे, अदल बदल के दोनों लेंगे। यहाँ पे प्लस लिए हैं तो माइनस लिए हैं, फिर माइनस है तो प्लस है। देखिए दो प्लस साथ में नहीं आया है, दो माइनस साथ में नहीं आया है, कहीं भी इसमें देख लीजिए, दो प्लस साथ में नहीं आएगा, दो माइनस साथ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से हम लोग प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, कहीं से आप स्टार्ट करके देख लीजिए, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, कहीं भी दो प्लस साथ में नहीं आएंगे और दो माइनस साथ में नहीं आएंगे। ऑर्डर थ्री का हम लोग लिख लिए, अगर ऑर्डर बराबर फोर का लिखना रहता हमको, दे दे कितना भी ऑर्डर का दे दे, यहाँ पे ऑर्डर बराबर फोर का मतलब इसमें 16 एलिमेंट होंगे। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस ना होगा, प्लस माइनस, फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए 4/4 का हो गया, ये 3/3 का हो गया, ये 2/2 का था। 2/2 कहने का मतलब ये है कि इसमें रो की संख्या 2 होगा और कॉलम की संख्या 2 है, 2 रो और 2 कॉलम होंगे, 3 रो और 3 कॉलम होंगे, 4 रो और 4 कॉलम होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब किसी भी ऑर्डर का साइन लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, आप लोग लिख सकते हैं ना अब, तो प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मासूम सर का मिसाइल मेथड जो है यहाँ पे दिया गया है, मासूम सर का मिसाइल मेथड, इसमें फार्मूला की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसमें याद कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ऑर्डर 5 का बोले उसको भी आप लिख सकते हैं, ऑर्डर 10 का बोले उसको भी लिख सकते हैं, केवल यह याद रखना है कि दो प्लस और दो माइनस साथ नहीं आ सकते, दो प्लस दो माइनस साथ कभी भी नहीं आएंगे, आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। देखिए कहीं भी नहीं आए, कहीं भी उठा लीजिए, इसमें प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, दो प्लस या दो माइनस कभी भी साथ में नहीं आए हैं और होंगे भी नहीं कभी साथ में। देखिए इसको कितना अच्छा समय बता दिया, वहाँ पर फार्मूला था थोड़ा लॉन्ग बन रहा था, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, यहाँ पे मासूम सर का मिसाइल मेथड, ऑर्डर दो दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट करना है, अल्टरनेटिव जाना है, अदल बदल के प्लस माइनस लेना है, एक बार प्लस तो दूसरे बार माइनस लेना है, प्लस तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर वही काम किया हूँ। अगर उससे भी समझ में नहीं आया तो आइए दूसरा ट्रिक जानते हैं, एक कुछ नहीं करना है, डायगोनल बोलते हैं ना इसको, डायगोनल का एलिमेंट प्लस ले लेना है और बाकी सबको माइनस कर देना है, डायगोनल का एलिमेंट को प्लस ले लेना है और बाकी सबको माइनस कर देना है। देखिए मैं क्या बोला ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑड और इवन का कंडीशन हो जाएगा, अगर ऑड नंबर दिया रहेगा एन बराबर ऑर्डर, ऑर्डर अगर आपको ऑड दिया रहेगा, ऑर्डर बराबर ऑड, ऑर्डर बराबर अगर इवन दिया हुआ है, देखिए ऑर्डर ऑड दिया रहेगा तो क्या करना है, जो दोनों डायगोनल देखिए इसमें दो डायगोनल बन रहा है, एक डायगोनल है फिर एक डायगोनल है, दोनों जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे सबको प्लस लिख देना है। देखिए डायगोनल में प्लस 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 और बाकी सबको निगेटिव लिख देना है। देखिए कितना ईजी कर दिया मैं, हो गया ऑर्डर अगर इवेन हो जाए, चार हो जाए,
तो जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसको एलिमेंट को पॉजिटिव लेना है, प्लस 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 हो गया, और जो सेकेंडरी डायगोनल होगा उसको माइनस 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 लेना है, बस यही काम करना है। सबसे आसान देखिए मैं यही बोलूँगा आपसे, या तो उधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बस यही याद रखिए कि ऑर्डर टू के अगर आपको लिखना है कि इसके डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा, किन क्या होगा, तो प्लस से स्टार्ट करना है, अल्टरनेटिव में प्लस माइनस लेते जाना है, प्लस लेंगे तो माइनस लेंगे, माइनस लेंगे तो प्लस लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, दो प्लस और दो माइनस साथ में कभी भी नहीं आ सकते, यही बात आपको याद रखना है। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग मैं जो बताया उसको समझ गए होंगे। तो आपसे यही मेरा आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। दोस्ती का मतलब क्या है कि आपके वजह से आपको दोस्तों को भी कुछ फ़ायदा हो, आपके वजह से उनको भी कुछ बेनिफिट हो। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं यह कहना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, सारी दुनिया में तबाही मची हुई है, जो जहाँ है वहीं परेशान है, और आपको इतना सुविधा दिया जा रहा है, ना आपको कोई चार्ज लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो आप लोग उसका बेनिफिट उठाइए, आप लोग उसका बेनिफिट उठाइए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तब ऐसे शेयर नहीं करना, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ मेरे लिए अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा भी सपोर्ट कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो बाबू तो संपर्क कर सकते हैं आप मुझसे, मेरा संपर्क सूत्र है यहाँ पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है 9097454732। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, 9097454732। कोई भी आपको अगर दिक्कत होता है यहाँ पे तो आप हमको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, पर्सनली मैसेज कीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन पूछिए, समझिए, पढ़िए अच्छा से। कोई भी दिक्कत हो आप हमको हमेशा याद कर सकते हैं, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो, निजी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, हरदम मैं आप लोगों के साथ हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलना चाहूँगा, ठीक है, आप लोग इसको, इस वीडियो को अच्छा से देखिए। आज हमारा लेक्चर 5 हुआ, हम कल लेक्चर 6 में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, सारणी का गुण धर्म क्या होता है उसको बताएंगे, उसके बाद हम लोग फिर अपना NCERT के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम लोग अगले क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। इस बात को जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से समझिए आप लोग।